मौसा साजरीन, इंसानी जिंदगी एक आजमाइश वाली जिंदगी है जिसमें कभी इंसान को सुकून व इत्मीनान नसीब होता है तो कभी परेशानी, और कभी इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती मिलती है तो कभी बीमारी। ये मुख्तलिफ हालात हैं, मुख्तलिफ कैफियतें हैं जो अल्लाह ताला ने एक इंसान की जिंदगी में रखी हैं। परेशानियों का आना, फिक्र का लाहिक हो जाना, किसी टेंशन से दो चार होना, किसी बात पर रंज गम करना, किसी बात पर अफसरदा हो जाना, अफसोस करना, इससे कोई इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता। हत्ता के अंबियाए किराम भी क्यों ना हो, नेक से नेक औलियाए इज़ाम भी क्यों ना हो, सबके साथ ये मसला लगा है कि दुनियावी जिंदगी की आजमाइश, कभी परेशानी किसी इंसान को जरूर लाहिक हो जाती है। इन परेशानियों के सामने अपने आप को बेचैन, मुस्तरिब, परेशान कर लेना, बेसब्री का इजहार करना, शिकवे शिकायतें करना, तकदीर को कोसना, नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला को बुरा भला कहना, ये तमाम चीजें गैर मुस्लिमों की, ईमान जिनके दिलों में बड़ा कमजोर हो, उन लोगों की निशानी है। परेशानियों के हालात में अपने आप को संभाले रखना, अपने आप को जहां तक हो सके शरीयत के मुताबिक रखना, अपने आप को बेचैन न होने देना, ये ईमान वालों को नसीब हुआ करता है। जिस इंसान को अल्लाह पर मुकम्मल ईमान हो, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा हो, वो कभी मायूसी का अपने आप को शिकार ना बनाए। जिसको अल्लाह के फैसलों पर इत्मीनान और सुकून हासिल हो, ऐसे लोगों पर खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला सकीनतें नाजिल करता है। ऐसे लोगों के दिलों को अल्लाह ताला सुकून नसीब करता है, इत्मीनान नसीब करता है। ये बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, इनके दिलों में अल्लाह ने एक अजीब सा सुकून इत्मीनान रखा है, उनके जहनों को अल्लाह ने एक अजीब सा सुकून इत्मीनान बख्श दिया है। बल्कि दर हकीकत ये सकीनत अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत और रहमत है, जिसमें अल्लाह ताला ने दिलों का सुकून इत्मीनान रखा है। और जिनके दिलों में अल्लाह पर ईमान मजबूत हो, यकीन मजबूत हो, जो तकदीर पर ईमान रखते हो, जिन्हें ये यकीन हो कि जो मसला उनकी जिंदगी में मसला पेश आया है, जिस मुश्किल से वो दो चार हैं या जिस आजमाइश का वो शिकार हैं, ये अल्लाह की इजाजत से है, अल्लाह की तकदीर से है, अल्लाह ने इजाजत दी, अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर में उसे लिखा। जब उसे इस बात पर यकीन हो तो ऐसे लोगों को सुकून नसीब हो जाता है, वो ऐसी मुश्किलों के दौर में भी, ऐसी तकलीफ में भी आगे आने वाली आसानियों पर नजर रखते हैं, आखिरत में मिलने वाले अजर व सवाब पर उनकी नजर होती है। उन्हें यकीन है कि मुश्किल वक्तिया है, इसे खत्म होना है, ये खत्म होगी। इन्नमा अल उस्री यसरा, फइन्नमा अल उस्री यसरा, ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जहां तंगियां होंगी वहां आसानियां जरूर आएंगी, जहां मुश्किलें होंगी वहां हल जरूर निकलेंगे। इस पर उनको यकीन होता है तो मुश्किलों के औकात में भी उनके दिलों को बड़ा सुकून और इत्मीनान अल्लाह ताला नसीब करते हैं। वो आम मुसलमानों की तरह या आम काफिरों की तरह
बेचैन मुस्तरिब परेशान नहीं हो जाते, बल्कि दिल के बेचैन हो जाने के बाद, दिमाग से सुकून के निकल जाने के बाद, यही वो सकीनत है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होती है एक मोमिन के दिल को सुकून और इत्मीनान पहुंचा।